आज हम पहुंच चुके हैं महुड़ी में। यहाँ पे एक जैन मंदिर है और घंटाकर्ण महावीर जी यहाँ पे विराजमान है। काफ़ी फेमस मंदिर है और ये मंदिर पड़ता है हिम्मतनगर बीजापुर हाईवे पे। काफ़ी सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो चलिए फटाफट जाके दर्शन करते हैं। गाड़ी पार्क कर लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ई रिक्शा भी अवेलेबल है, जो एजेड पर्सन है जो चल नहीं सकते उनके लिए फ्री में है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्किंग है, काफ़ी सारे दर्शनार्थी यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर। ये मंदिर का निर्माण बुद्धिसागर सूर्येश्वरी जी द्वारा 1970 में निर्माण किया गया था। काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी सारी दर्शनार्थी यहाँ पे हर रोज़ आते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। और बुद्धिसागर सूर्येश्वरी जी की भविष्यवाणी जो की थी वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ पे जस्ट पास में ही धर्मशाला भी है जो मंदिर के ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, और यहाँ पे भी आपको रुकना हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। काफ़ी अच्छी यहाँ की फैसिलिटीज़ है, तो आप जो रुकना चाहो तो आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ से आपको सुखड़ी का प्रसाद लेना है और काफ़ी सारी दर्शनार्थी यहाँ पे लाइन में लगे हैं प्रसाद के लिए। और यहाँ का सुखड़ी का प्रसाद काफ़ी फेमस है और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि सुखड़ी का प्रसाद आप मंदिर में ही खा सकते हो, इसको आप घर पे नहीं ले जा सकते। इस तरह से आप देख सकते हो ऐसी प्लेट में सुखड़ी दी जाती है और आपको मंदिर में ही खानी है, आप घर नहीं ले जा सकते। ये मंदिर जो आप देख रहे हो वहाँ पे घंटाकर्ण महावीर जी विराजमान है और काफ़ी सारे दर्शनार्थी भी यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे आप देख सकते हो घंटाकर्ण महावीर जी यहाँ पे विराजमान है। और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस। मंदिर के जस्ट पास में ये ऐसा एक काउंटर लगाया गया है और आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे रक्षा पोटली मिलती है, तो इस रक्षा पोटली का भी काफ़ी महत्व है, तो आप ज़रूर रक्षा पोटली यहाँ से लेके पहने। ये जो मंदिर के पास आप देख रहे हो ऊपर एक घंट है, वो यहाँ पे ऊपर चढ़ के घंट बजाना होता है और वो भी यहाँ की मान्यता है कि आप जैसे यहाँ पे घंट बजाओगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, पर आफ्टर कोविड के बाद इसको भी बंद कर दिया है। ये जो आप देख रहे हो वो आपको सुखड़ी का प्रसाद लेके यहाँ बैठ के खाना है और बीच में पानी की परब है और ऐसा आप काफ़ी सारी जगह है बैठने के लिए, तो आप आराम से यहाँ पर सुखड़ी का प्रसाद खा सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।